सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं सरदार अवेस लगारी, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई पावर डिवीज़न। अब वैसे तो मौजूदा हुकूमत को कई अहम तरीन चैलेंजेस हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये शोबा जो पावर तवानाई का शोबा है अहम तरीन शोबा है। आज हम कोशिश करेंगे कि अपने इस अहम तरीन मेहमान से जो जिनकी वजारत है उनसे ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान जब से इनके पास ये महकमा आया है क्या अहम तरीन अचीवमेंट है उनकी, उनका काम है, और आने वाले वक्त में क्या वो मज़ीद करने जा रहे हैं, और किस किस्म की उनको प्रॉब्लम्स है, और आम आदमी के मसाइल जो बेसिक टारगेट है उसमें किस हद तक इनको कामयाबी हुई। अवेस लगारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं सर ये जानना चाहूँगा कि अब आपका जो अरसा है, जिस अरसे में आपके सामने ये शोबा आया है, यकीनन ये बहुत ही अहम शोबा है, और पाकिस्तान के आम आदमी के लिहाज से जहाँ हुकूमत मईशत पे के लिहाज से ये शोबा बहुत अहम है, वहाँ आम आदमी के लिहाज से भी ये शोबा बहुत अहम है। अब मैं ये मालूम करना चाहूँगा सर कि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आवाम की बेहतरी के लिए, इस पावर जो शोबा है इसकी बेहतरी के लिए आपने कौन कौन से ऐसे इकदामात किए हैं जो अब एक अचीवमेंट की सूरत बनते जा रहे हैं? जी सर, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मुझे इनवाइट करते रहते हैं और आपने मुझे टाइम अपने शो के ऊपर दिया ये तमाम बातें करने का। पिछले कोई 9 महीने के अंदर जब से मैंने ये वजारत का कलमदान संभाला है और प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी से मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो इसमें हमने न सिर्फ इस्लाहाती प्रोग्राम का मुकम्मल तौर के ऊपर आगाज़ किया है, उससे पहले पूरा सेक्टर का जायज़ा लिया, उसके अंदर तमाम जो मुश्किलात थीं और जो गलत चीज़ें हो रही थीं और जो गलत डगर पे रस्ते पे ये पावर सेक्टर लगा हुआ था उसका ना सिर्फ तदारुक किया गया बल्कि उसके बाद उसकी एक बाकायदा बहुत प्रोफेशनल लाइंस के ऊपर एक मंसूबा बंदी के ज़रिए इस्लाहाती प्रोग्राम को मुरतब किया गया। अब इस किस्म के प्रोग्राम्स को अमल दरामद करना इनके ऊपर सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है, जिसका आगाज़ हो चुका है, और हम माशाल्लाह अपने इस इस्लाहाती प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व्ड हैं। इसका हमें फ़ायदा भी होना शुरू हो गया है। IPPs का मामला था, वहाँ हमारी 5 प्लांट्स की टर्मिनेशन हो गई, औरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू हो रहे हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के नुकसानात थे, उनको एक बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ज़रिए चलाना ज़रूरी था। बोर्ड्स इन पोजीशन आ चुके हैं, सवाए सिंध के 2 बोर्ड्स के। उसके अलावा हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर मुश्किलात थी, कमियां थी, खराबियां थी, जिसकी वजह से सस्ती बिजली को सिस्टम में नहीं लिया जा सकता था, उसका भी तदारक कर लिया गया है, और उसके लिए ना सिर्फ बहुत सस्ती कीमत के ऊपर फाइनेंसिंग अरेंज कर चुके हैं हम, बल्कि उनको अगले 2 साल में हम अपने इस प्रोग्राम के तहत मुकम्मल भी कर लेंगे। नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी का 3 हिस्सों के अंदर बंटना, उसकी बेहतर लाइंस के ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग होना, एक इंडिपेंडेंट सिस्टम मार्केट ऑपरेटर आना, जो कि तकरीबन फरवरी और मार्च में हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, ये बहुत बड़े इनकलाबी स्टेप्स हैं जिनको तमाम सीरियस लोग बहुत गौर से न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा आम आवाम को क्या होगा? इन चीज़ों की वजह से न सिर्फ आइंदा मुस्तकबिल के अंदर बिजली की
हिम्मत कभी इस लेवल तक जा सकेगी? बल्कि इस वक्त भी जो बिजली की कीमत है वो आइंदा चंद माह के अंदर हम समझते हैं इस लेवल पे लेके आ जाएंगे कि आवाम को बिजली का बोझ जिस तरीके से आज महसूस हो रहा है वो दोबारा ना हो। और हमारा हदफ है कि हम तकरीबन 8 से 10 रुपए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत के अंदर कमी करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक वादे को जो मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाम से किया था उसको शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर पाए तकमील तक पहुँचाएँ। एक ओवर बिलिंग और बिलिंग के मसाइल भी है जो बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग के मसाइल जो है वो आम लोगों के लिए ज़्यादा है, बिजली की चोरी के हवाले से भी सर काफ़ी है चीज़ें सामने आती हैं, और आम सार्फीन की जो शिकायत है हल्का निज़ाम उनका उसमें भी काफ़ी चीज़ है, प्रीपेड मीटर्स का निफाज जो है ये भी इन चीज़ों में आता है। तो इस सिलसिले में सर क्या कर रहे हैं? बिजली चोरी जिन इलाकों में होती रहेगी वहाँ लोड शेडिंग भी होती रहेगी, इसमें कोई रिलैक्सेशन ना मिलनी है ना मिलने का कोई सोच पैदा रखने की कोशिश भी करे, इट्स अ बिग नो, नहीं हो सकता। जहाँ बिजली की चोरी होगी वहाँ हमारी स्टेट और बाकी जो कंज्यूमर है उसका क्या कसूर है जो वो इनके नुकसानात के सारा कुछ भरता रहे और इसका पूरा खमियाजा बेचारा बिल पे करने वाला भरे जो उसकी चोरी कर रहा है उसका। दूसरा, जहाँ तक प्रीपेड मीटर्स का ताल्लुक है, हम लोग अगले 1.5 से 2 साल के अंदर पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हकूमत के कंट्रोल में रह जाएंगी अगले साल के आखिर के बाद उन सब को ट्रांसफार्मर लेवल तक मीटर्स लगा रहे हैं, यानी जो आप पूरे फीडर की बेसिस के ऊपर एक बिजली चोरी का तयन होता है और पूरा पूरा फीडर बंद होता है वो अब ट्रांसफार्मर की लेवल पे आ जाएगा, यानी एक फीडर के ऊपर अगर कुछ ट्रांसफार्मर के जो आगे कनेक्शन वाले हैं वो अगर चोरी करते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की मीटर से पता चल जाएगा और सिर्फ उन तक बिजली को रोका जाएगा और उनको नई बिजली दी जाएगी। जहां तक प्रीपेड मीटर्स हैं उनका भी इनेकाद प्राइम मिनिस्टर के जो नुकात हैं इस्लाहाती उसके अंदर अवलीन तरजीह है, और हम एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट का मॉडल बना रहे हैं इस वक्त जिसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर मुस्तकबिल के अंदर जिस तरह IPPs का बोझ आया था वो ना आए और बेहतर हम नुकात और शरायत की बुनियाद के ऊपर लोगों को ये मीटर्स की सहूलियात दें। तो बिजली चोरी नो ज़ीरो जी टॉलरेंस होगी, इकोनॉमिक लोड शेडिंग वहाँ होगी जहाँ बिजली चोरी हो रही है, स्मार्ट मीटर्स इंशाल्लाह अगले 2 से 3 साल में हमारे सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी और हो जाएंगी, और बिजली के रेट अगले चंद माह में हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 से 10 रुपए यूनिट की कमी हो सके। अरे सर, ओवर बिलिंग की भी एक बड़ी शिकायत सामने आई है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ओवर बिलिंग हमने मुकम्मल तौर के ऊपर हमारे नए बोर्ड्स ने डॉट साहब ओवर बिलिंग रोक दी है। ओवर बिलिंग मैं क्लेम कर सकता हूँ कि जो पहले हो रही थी उसके गालिबन 95% उसके अंदर कमी आई है। हमने न सिर्फ ओवर बिलिंग रोकी है बल्कि पिछले साल लाहौर के इलेक्ट्रिक कंपनी में बहुत शिकायत थी उन तमाम लोगों को वापस उनके पैसे भी किए हैं और नुकसान बर्दाश्त किया है। ओवर बिलिंग कतन काबिल कबूल नहीं है जिस तरह बिजली चोरी भी नहीं है। अच्छा सर, ये सार्फीन को जो तवानाई के मुतबादिल आपके ज़राए हैं इसके सिलसिले में सर, डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काबिल तजदीद तवानाई, इसके लिए सर आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान सबसे क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करने के मुल्कों में से एक है। पिछले साल 55% एनर्जी जो पावर सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुई वो हाइडल, सोलर, विंड और न्यूक्लियर की बुनियाद के ऊपर थी, और इसकी शरह अगले 8 साल में 88% पे जा रही है। सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड 1200 मेगावाट एक साल में लगी है हमारे सिस्टम पे जो लोगों ने खुद इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो हम सोलर, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी में हमारे मुल्क को फ़ख्र होना चाहिए कि हम सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले ममालिक में से एक हैं।
अच्छा सर, मैं आ जाता हूँ सब्सिडी पे। तो सब्सिडी की में कमी और टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? वही 8 से 10 रुपए की कमी हम इन्हीं चीज़ों से लेके आएंगे ना डॉक्टर साहब। अपने टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, अपने नुकसानात को कम करेंगे, फालतू जो IPPs को पैसा जा रहा था उनके रिव्यू करके कॉन्ट्रैक्ट्स उसके अंदर कमी लेके आएंगे, चाइना के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग करके 3-3.5 रुपए का इम्पैक्ट वहाँ लेके आएंगे। तो ये जो टैरिफ रिफॉर्म्स हैं ये इन्हीं बातों के ऊपर मुश्तमिल हैं कि वो कौन से 8-10 ऐसे इकदाम हैं जो हमने जिनका आगाज़ कर लिया है, जो करके हम थोड़ी थोड़ी बचत करके आवाम तक 8 से 10 रुपए का रिलीफ लेके आएंगे। बाकी एक बहुत बड़ा हमारा स्टेप अभी आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस और मोटरसाइकिल्स और 3 पहिए वाले रिक्शों के लिए और 3 पहियों वाले जो वो लोडर रिक्शे होते हैं उनको हम इनकरेज करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिकल 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स पे शिफ्ट हों और इलेक्ट्रिकल छोटी गाड़ियों पे शिफ्ट हों। हम उनके चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी स्टेशंस के ऊपर जो कमर्शियल इदारे होंगे जो आप और हम इन्वेस्ट इसके अंदर करेंगे, एक छोटा इन्वेस्टर भी कर सकेगा 25 लाख से कारोबार का आगाज़, उनके लिए बिजली की कीमत को 70 और 90 रुपए की ब्रैकेट से नीचे ला के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम कोशिश करें कि उसको इतना नीचे ले आएं कि लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद हो और ज़्यादा पैसा बचे और इलेक्ट्रिकल यानी पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिकल ये पावर से ये जनरेट हो, हमारी माहौल के अंदर आलूदगी भी ख़त्म होगी और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी और आपकी इम्पोर्ट जो तेल है उसके अंदर भी खातर खा कमी आएगी। तो ये भी एक ऐसा कदम है जो हमारी पावर मिनिस्ट्री बहुत जल्द ऐसे रेट्स का तायुन करने जा रही है काबीना की इजाज़त से, जो पहले पाकिस्तान में कभी मौजूद नहीं थे बल्कि इस वक्त बहुत महंगे हैं, उसको हम EVs के लिए बहुत सस्ता करने लगे इंशाल्लाह। अरे सर, बिजली की पैदावार जो पैदावार में जो इजाफा है ख़ास तौर पे जो CPEC के हवाले से है, हमने सुना था कि जो थर्कोल को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाइना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे स्टेशन बने हुए हैं, इस पर सर कुछ बताएंगे आप? हमारे 3 कोल के ऐसे प्लांट्स हैं जो CPEC के तहत लगे, वो भी प्राइवेट सेक्टर ने लगाए, और एक प्लांट है जो हमने खुद जामशोरों में हुकूमत पाकिस्तान ने पावर डिवीज़न ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के जी मदद से और फाइनेंसिंग से लगाया। हम समझते हैं कि ये तकरीबन 4,200 मेगावाट इन चारों प्लांट्स की जो कैपेसिटी है उसको हमें इम्पोर्टेड कोल के बजाय अगर थर कोल हम इस्तेमाल करें तो हमें बचत होगी। उसकी एक बाकायदा स्टडी का आगाज़ होने वाला है और 4 महीने के अंदर अंदर हम इस फैसले पे पहुंच सकेंगे कि इनको तब्दील करना और थर कोल पे लेके आने में हमें कितनी बचत है, और उसी की बुनियाद के ऊपर फिर हम इनके अंदर इन्वेस्ट करके और इसको थर कोल के ऊपर इम्पोर्टेड कोल के बोझ को ख़त्म करके और थर कोल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। अच्छा सर, IPPs का आपने जिक्र किया था, मैं ज़रा यहाँ जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे ज़ाहिर है एक राय भी रखते हैं और सवालात भी उठाते हैं और लोग कन्फ्यूज़ का भी शिकार हैं कन्फ्यूजन का। ये बताइए कि कितनी IPPs है जिनके साथ आपके मामला तय हो गए हैं और वो निगोशिएट करने जा रहे हैं, और कितनी ऐसे IPPs हैं जिसके ऊपर मसाइल अभी तक खड़े हुए हैं? कोई किसी के साथ कोई मसाइल नहीं खड़े हुए, हम लोगों ने 5 को टर्मिनेट कर लिया, सिस्टम से निकाल लिया है, बाकी 18 के साथ बातचीत हो रही है। उसके अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो IPPs हैं उनके साथ फिर लिया जाएगा, गुफ्तगू को आगाज़ किया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी विंड और पावर के वो विंड और सोलर के प्लांट्स हैं उनको साथ दोबारा रिविजन की जाएगी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनकी बामी आमादगी के बाद। तो हम लोग समझते हैं कि कोई 1.5-2 महीने का और प्रोसेस है
और उसको हम जल्दी इंशाल्लाह जी निपटा लेंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा किसी के साथ। अरे सर, मेरा ये जो था मुश्किलात में, वो ख़ासतौर पे ये बात थी जो कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से था, वो ये था कि जी जाहिर है जैसे आपने कहा कि 5 के साथ आपकी बातचीत हो गई है और बाकी लोगों से बातचीत आपकी चल रही है, तो सर क्या हम ये उम्मीद रखें कि जो IPPs का जो प्रॉब्लम था, जो हमारे लिए ये एक बड़ा मसला बना हुआ था, अब ये रिजॉल्व होने की तरफ हम जा रहे हैं सर? कैपेसिटी पेमेंट्स डॉक्टर साहब वो पेमेंट्स होती हैं जो सूद और कर्ज़ा और उन चीज़ों की वापसी के लिए और रिटर्न उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर दी जाती है, उसके अलावा फ्यूल का ख़र्चा होता है। कैपेसिटी पेमेंट हर प्लांट के साथ होती है, कैपेसिटी पेमेंट को किए बगैर उन प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट वापस नहीं हो सकती और उनके कर्जे, कैपेसिटी पेमेंट इसी चीज़ को कहते हैं। कैपेसिटी पेमेंट हमारे लिए ज़्यादा बड़ी इसलिए क्योंकि 2018 के बाद माशाल्लाह हुकूमत की वाहियात तरीन कारकर्दगी के नतीजे में पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हुआ और हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़े। अब इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे कम हो रहे हैं और पाकिस्तान की रुपी के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है, अगर रुपया बेहतर स्ट्रॉन्ग होगा तो कैपेसिटी पेमेंट मज़ीद कम होगा। कैपेसिटी पेमेंट इस वक्त बदकिस्मती से हमारी ओवरऑल डिमांड नीचे जा रही है, इसलिए कैपेसिटी पेमेंट का बोझ अब कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वरना सिर्फ इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से भी कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर कमी ज़रूर आती आई भी है, लेकिन वो अब ज़्यादा कंज्यूमर्स के बजाय कम कंज्यूमर्स के ऊपर तकसीम हो रही है, क्योंकि हमारी बिजली की जो डिमांड है वो भी सोलराइजेशन की वजह से कम हो रही है और उसका एक मनफी असर हमारे सिस्टम के ऊपर आ रहा है। जी मैं यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये गर्दिशी कर्जा जो है वो जाहिर है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आपका तवानाई का या दूसरे और एरिए का, वो दोनों मिला के और भी जो हैं वो एक बड़ा मसला पैदा किए हुए हैं, तो इसके खात्मे के लिए या इसमें कमी के लिए आपकी वजारत ने इतने अरसे में क्या काम किया और किस हद तक आपको इसमें कामयाबी मिली सर? गर्दिशी कर्जा इस साल हमारा पिछले साल 80 अरब से सर बड़ा, इस साल एक्सपेक्टेड है कि 36 से बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बेहतर कारकर्दगी दिखाना शुरू कर दी है तो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे ये महसूस होता है कि इस साल के आखिर में इंशाल्लाह हमारे गर्दिशी कर्जे के अंदर कमी आएगी, वो ज़्यादा नहीं होगा और अच्छी भली कमी आएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो बजट की हुई रकम है वो जी बचेगी और उस नुकसान को बजट करने के बजाय हम तालीम और सेहत और रोडों जैसी सहूलियात के अंदर अपनी कौम की हालात बेहतर करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भाषा डैम जैसे मंसूबे कहाँ, क्या स्टेटस है सर उसका, इस वक्त क्या पोजीशन है? नीलम जेहलम प्रोजेक्ट बहुत एक बदकिस्मत और अजीब सा प्रोजेक्ट है जिसमें बार बार खराबियाँ आई हैं और हम लोग बहुत कंसर्न हैं, उम्मीद है अब इस दफ़ा जो रिपेयर होगा उसके बाद नुकसान नहीं होगा फर्दर, लेकिन नीलम जेहलम के ऊपर बहुत पैसा लगा, हद से ज़्यादा लगा, तखमीने से कहीं ज़्यादा लगा, और ये मैं समझता हूँ हमारे वापडा जैसे अच्छे इदारे की नाम के ऊपर एक स्याह धब्बा है और अल्लाह करे वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि उसके अंदर जो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स ने नीलम जेहलम का एक ख़ास जो पैसा दिया अपने हर बिल के अंदर कितने अरब रुपए, उसका जो फ़ायदा है वो हम दोबारा उठाना शुरू करें, और बदकिस्मती से जो महंगी बिजली अब हमें नीलम जेहलम के ना होते हुए ख़रीद करनी पड़ी है उसके बजाय वापस नीलम जेहलम जैसे प्रोजेक्ट से बिजली लें।
हमारा जो नुकसान नीलम जेलम की बिजली ना होने का और उसके बजाय ज़्यादा महंगी खरीदने का है, तो वो भी काफ़ी बहुत कई 30, 40, 50, 60 अरब रुपए के मेरे ख्याल में करीब है सालाना। तो ये भी एक बहुत नुकसान है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वापडा जल्द अज जल्द इसको पूरा करेगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो आबी वसाइल वजारत के अंडर है। इसके सिलसिले में कोई इंक्वायरी इनिशिएट भाषा डैम को कोई इंक्वायरी ये नहीं, इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएट की है जिसका रिजल्ट जल्दी आएगा आपके सामने। भाषा मेहमद और दासू डैम के बारे में सर मैं मालूम करना चाहूंगा। जी, दासू डैम तो काम हो रहा है उसके ऊपर और वो काफी अपना ऑन ट्रैक है। उम्मीद है अगले 2 से 3 सालों में 4 सालों में वो ऑनलाइन आ जाएगा। भाषा की बिजली के ऊपर अभी काम नहीं है, उसके रिजर्वॉयर के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि भाषा पानी की स्टोरेज भी है और बिजली भी है। तो हम देख रहे हैं उसको कि भाषा की क्या बिजली आइंदा हमें 10 सालों के अंदर ज़रूरत है भी सही कि नहीं है, हमारी ओवर सप्लाई है बिजली की, तो क्या इसकी बिजली को बनाने का कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं। तो हम लोग आइंदा आने वाले जो 17,000 प्लांट पिछली हुकूमतों ने कमिट किए हुए हैं उनको भी मैं रीअसेस कर रहा हूँ। अगर वो महंगी बिजली होगी, हमारे बारे में नहीं होंगे, तो वो बिजली नहीं बनाई जाएगी और हम उन प्लांट्स को और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जाहिर है हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दही इलाके हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट भी हमारी मईशत के हवाले से होता है, उसमें कई ऐसी ट्यूबवेल्स और आपका ज़राअत और दूसरे अहम तरीन चीज़ें, तो वहाँ बिजली की फरहमी के लिए आपकी वजारत क्या इकदाम कर रही है सर? हमारे काफ़ी बिजली पहुँची हुई है हर जगह जी, और जहाँ पहुँचानी होती है हमारे कंपनीज की अपनी एक पॉलिसी है कि जहाँ LT लाइन्स हैं वहाँ की एक्सटेंशन वो लोग खुद करते हैं कंपनी, लेकिन अगर मज़ीद आबादी तक बिजली पहुंचानी हो तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, वो उनके ज़रिए जो फंडिंग होती है SDG की जो फंडिंग, तो उसके ज़रिए अगर कोई पैसे हमारी कंपनीज को मिले तो हम उसके ज़रिए फिर मज़ीद विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स लेके आते हैं, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनकी उसके अंदर से और रिकमेंडेशन होती है। अच्छा सर, मैं ज़रा आता हूँ कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, एक बड़ा इदारा है सर, यकीनन वो एक प्राइवेट एक्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या सर इस सिलसिले में आप वजारत आपकी जो पावर तवानाई है ये किस हद तक इस ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी के लिए या इसको फाल बनाने के लिए, क्योंकि कई शिकायतें इस हवाले से मौजूद हैं, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है सर? शिकायत कई के सिस्टम में बहुत आ रही हैं, उनकी कारकर्दगी पिछले कई सालों में पहले से बदतर हुई है। उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी बहुत की थी पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, लेकिन चंद साल में पिछले 2-4 सालों में हमने उनकी कारकर्दगी यानी उनके नुकसान बढ़े हैं, उनकी रिकवरीज कम हुई हैं, लोग उनकी सर्विस क्वालिटी की इतनी खुश नहीं है। तो अभी हमने अपने, क्योंकि हम भी शेयर होल्डर्स हैं बतौर हुकूमत पाकिस्तान के, तो हमने उसके अंदर कुछ लोगों को जो हैं उनको ऐड किया एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स, और उस एडिशन के बाद वो पूरी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ बैठ के इस पूरे सिस्टम को और केई को का बहुत बारीक बीनी से जायज़ा ले रहे हैं, और अगले 1-2 महीने के अंदर आपको बोर्ड के अंदर इस किस्म की सिफारशात ज़रूर दी जाएंगी मेजॉरिटी और कंट्रोल करने वाले शेयर होल्डर्स के सामने, ताकि वो इसको कंसिडर करें और हमारी जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वहाँ के लोगों की उसकी एड्रेसल की जाए इंशाल्लाह। लेकिन सर इसके साथ ये कि ये निजकारी हो चुकी है, 170 अरब हो सकता है अमाउंट में ऊपर नीचे हो, 170 अरब रुपए की आप इनको इस सब्सिडी दे रहे हैं सर? जी, उनकी टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है, यानी जो बिजली की कीमत
उनकी होनी चाहिए, उसे 170 अरब रुपए बाकी मुल्क की कीमत से उनकी महंगी है। तो ये बहुत एक खातिर खा अमाउंट है जो हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बाद, ख़ास तौर पे जब जनरेशन उनकी अपनी हो, तो नहीं होना चाहिए था। और इसमें बेहतरी केई को लाना पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसका बोझ उठान कब तक उठाएंगे। और अभी हमने ये भी किया है कि हम इनक्रेज कर रहे हैं केई को कि वो अपनी नेशनल ग्रिड के साथ भी कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। और अभी आप अगले एक दो हफ्ते में देखेंगे, हमारे दो ग्रिड्स नए बने हैं केई के साथ। हमारे ग्रिड में से सस्ती बिजली लेने की भी कैपेसिटी तकरीबन कोई 1000 मेगावाट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हूँ मैं गलत तो मैं माजरत चाहता हूँ, तकरीबन 1000 या 1200 मेगावाट की कैपेसिटी फर्दर केई के सिस्टम में इंजेक्ट करने की मिलेगी, जिससे कीमतें उनकी बिजली की प्रोडक्शन की ओवरऑल कम होंगी और हमारी टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारे ऊपर बोझ कम होगा। अच्छा सर, अफगानिस्तान से जो दरामदी बिजली है के मंसूबे हैं कासा, वजारत हुकूमत वजारत पावर को इस पर एतराज़ है, क्या ये बात सही है सर? हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद व्यू करने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन वो कासा तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ, वो जब कासा कंप्लीट होगा उसमें अभी कुछ वक्त है, अफ़गानिस्तान के अंदर की कंस्ट्रक्शन सारी रहती है, जब वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम अपनी पार्टनर कंट्रीज़ के साथ बैठ के ज़रूर इसको दोबारा देखना चाहेंगे, ताकि पाकिस्तान से भी जो बिजली सरप्लस है वो भी उन ममालिक के अंदर जा सके और हम ना सिर्फ बिजली को इम्पोर्ट कर सकें बल्कि बिजली को एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने मीडिया खबर है मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, आपने इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से बात करते हुए खदशा जाहिर किया कि आइंदा 10 साल तक बिजली की तलब सालाना 2.8% बढ़ने के बावजूद टैरिफ में मुसलसल इजाफा होगा जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा, क्या ये एक अलार्मिंग सूरत हाल नहीं होगी सर? अगर हमने वो रिफॉर्म्स ना किए जो हमें सख्त कर रहे हैं, अगर हमने आइंदा बिजली जो इंडक्ट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर उसके ऊपर गौर ना किया, अगर हमने जो प्रोजेक्ट जिनसे बिजली आइंदा मुस्तकबिल में महंगी होगी उनको अभी से रोका ना, तो जी आपकी बात दुरुस्त है, अगर हमने ये सारा कुछ ना किया तो आपकी अगले 10 साल के अंदर बिजली की कीमत बतदरीज बढ़ेगी और बोझ बढ़ेगा। अवैस लगारी साहब, यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी अवैस लगारी साहब, मैं इससे पहले कि मैनेजमेंट पे आऊँ, जाहिर है आम सार्फीन की शिकायत का हल का निज़ाम भी कोई तरीक़ेकार है, उसके ऊपर भी आप ज़रूर काम कर रहे होंगे, हेल्प लाइन्स हैं, ऐप्स है सार्फीन की शिकायत के लिए, मोबाइल ऐप भी मुतारिफ़ कराई गई है, रोशन पाकिस्तान ऐप के नाम से भी है, रीजनल दफातर की फालियत, तो इस सिलसिले में सर आपकी वजारत क्या काम कर रही है? मेरी वजारत कुछ नहीं कर रही, मेरी वजारत अपने बोर्ड्स को कह रही है कि करो और अपनी कस्टमर केयर को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाओ, मेरी वजारत का काम ही नहीं है ये करना, मेरी वजारत का काम ऐसे बोर्ड्स इन प्लेस लेके आना है ताकि वो इसको एज अ की प्रायोरिटी लेके और लोगों की कस्टमर केयर यानी लोगों की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, उनकी कंप्लेंट सुनना और उनको फौरी तौर के ऊपर हल करके देना, इस सिस्टम को फाल बनाए, ये सिस्टम तो है ही नहीं मौजूद, जो आप कह रहे हैं वो बस नाम का सिस्टम है। अच्छा सर, ये बहुत ही एक अहम मसला है और हम देख रहे हैं कि इस्लाहात हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है, मेरिट की बात की जा रही है, मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, इंसेंटिव की बात की जा रही है,
ज़ाहिर है वापडा और आपके नीचे जो भी आपकी मिनिस्ट्री है इस सिलसिले में सर, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहा है माजी में और हम देखते रहे हैं, क्या अब हम ये समझें सर कि आपके आने के बाद इस इदारे में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ है या ख़त्म कर दिया गया है, और इसके साथ साथ मेरिट और एहतसाबी अमल साफ और शफाफ हो गए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या कोई इंसेंटिव का तरीक़ेकार भी आप अपनाने जा रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को क्यों आप मेंशन करते हैं? जी सर, जर्नलिस्टिक इन्फ्लुएंस की भी बात करें, जुडिशल इन्फ्लुएंस की भी बात करें, और भी इदारों का इन्फ्लुएंस होता है, तो ये तो पूरी सोसाइटी में जो जो कुछ है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। तो हाँ जी बिल्कुल, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्हीं की मदद के साथ सिफारिश का जो जी कल्चर है वो हमारे इदारों में मेरे दफ्तर से ज़ीरो पर है, ज़ीरो पर। कोई किसी किस्म की अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग्स, डायरेक्टर्स का अपॉइंट होना किसी भी पॉलिटिकल या जान पहचान की कंसिडरेशन की बेसिस के ऊपर नहीं हुआ और ना ही हम करने का इरादा रखते हैं। क्या आप कोई इंसेंटिव का, ज़ाहिर है दुनिया में ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं जिससे एहतसाब का तरीक़ा हो तो वहाँ मेरिट का भी है तो वहाँ इंसेंटिव का भी तरीक़ेकार है, तो कोई इस तरफ भी आपका जहन है सर अपने मैनेजमेंट के हवाले से? जी बोर्ड्स करेंगे जी, जी हम एज शेयर होल्डर्स बोर्ड्स को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव आर्म के अंदर सिर्फ जी सज़ा नहीं बल्कि लोगों को जो अच्छा परफॉर्म करें उनको रिवॉर्ड भी करें और उनको इनक्रेज करें ताकि वो रिवॉर्ड्स के लिए और अपनी एक स्टेटस के लिए और अपने मटेरियल गेन के लिए ज़्यादा बेहतर कंपनीज को परफॉर्म करके दें। आपका जो ये बोर्ड है सर, इसकी नामजदगी जो है वो कैसे होती है सर? क्या उसमें ये देखा जाता है एहलियत, सलाहियत, एक्सपीरियंस, या आपके बोर्ड में? जी सर, उसके अंदर स्किल्स देखी जाती हैं, किस किस्म के लोगों की ज़रूरत है, वकील चाहिए नहीं चाहिए, अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग का बैकग्राउंड चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए, एनर्जी इकोनॉमिस्ट चाहिए, यूटिलिटी की कंपनी में काम करने वाला एक्सपीरियंस वाला चाहिए। तो हाँ, मैंने कम अज़ कम इन तमाम बोर्ड्स को जितनी भी कंपनीज के बनाए हैं और वो काबीना ने कंसिडर किए हैं उसमें हम पहले हम फील्ड्स बनाते हैं कि इस बोर्ड के अंदर किस सलाहियत का कौन सा बंद, ये नहीं एमए पास बी ए पास कौन होगा, उसके आगे फिर प्रोफेशनल सलाहियतें होती हैं, इस स्किल का चाहिए, खातून चाहिए, पहले वो बनाते हैं, फिर हम उसके अंदर आठ आठ नौ नौ नॉर्म फिल करते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ से, कभी इश्तहार के ज़रिए, और फिर उनमें से बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं और फिर काबीना उसको कंसिडर करती है, एक और पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, और फिर हमारी जो कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज है लाइक आईबी वो उन लोगों का लो डाउन और जो बैकग्राउंड्स हैं उनको भी असेस करके हमें बताते हैं। अच्छा सर, दो तीन, बिल्कुल टाइम कम है, हम आपका बड़ा कीमती टाइम लिया हुआ है मैंने, लेकिन मैं चाह रहा था कि जी आवाम तक की सारी आगाही आए। अच्छा सर, ये जैसे आपने कहा कि जी जो जहाँ पर चोरी हो रही है, कुंडा सिस्टम, जिस किस्म के भी चोरी हो रही है, चाहे वो टेक्निकल हो, आईटी या रिलेटेड हो, कोई भी हो, उस पर जो है वो वहाँ पर जो है वो आपके वो होगा, क्या नाम है, लोड शेडिंग। लेकिन सर, क्या ये इसकी बेहतरी के लिए, इसकी पकड़ के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री किसी और मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कुछ इकदाम किए हैं जिसका फ़ायदा, कुछ रिज़ल्ट आया है सर? सूबाई हुकूमतों का ही रोल है जी, मेरी मिनिस्ट्री के अलावा इसके अंदर और किसी का रोल नहीं है। सूबाई हुकूमतें पुलिस के ज़रिए और अपने जो उनके ज़िम्मेवारी है उसके ज़रिए अगर किसी इलाके में हुकूमत के वाजिबात को पे करवाने की रेट नहीं करेंगे और चोरों को जाके पकड़ेंगे नहीं हमारे साथ, तो वो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ हुकूमतों ने ऐसा कुछ मेहनत की वहाँ हमें रिजल्ट्स मिले, जहाँ नहीं की वहाँ और भी नुकसान हुआ।
तो सर ये थोड़ा सा वजाहत करेंगे कि कौन सी हुकूमत ने, क्योंकि हमें तो ये नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमत इतनी मुख्तलिफ इलाके हैं, सब मैं किसी हुकूमत का नाम नहीं ले सकता, मुख्तलिफ इलाके हैं, किसी ज़िले में एक सूबाई हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया, किसी और हुकूमत ने किसी ज़िले में किया तो अगले में नहीं किया, तो ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज अरेंजमेंट नहीं बन रही सूबाई हुकूमतों के साथ, और ये बड़ी ज़्यादती है कि उनकी कोऑर्डिनेशन के बग़ैर हम ये रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो लोगों को और अपने पार्लियामेंटेरियंस को इनक्रेज करके ज़बरदस्ती हाई लॉस फीडर के ग्रेड्स को भी ऑन किया, जिससे पाकिस्तान को तो और हमारे इदारे को 3-4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है पिछले साल। अच्छा सर, बिल्कुल आखिरी सवाल है, बहुत सारे सवाल थे लेकिन जाहिर है आपका टाइम है, हमारा भी एक लिमिटेड टाइम होता है, मैं चाहूँगा मोटे मोटे कुछ पॉइंट ज़रूर दे दीजिएगा सर। ये जो आपको पावर्स की इस वजारत को बेहतरी, जिसमें बहुत सारी काम है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे, अभी भी करते हैं, इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं सर? ज़्यादा मुश्किलात ये सूबाई हुकूमतों के साथ कोऑर्डिनेशन की आ रही है, जहाँ वो चोरी रोकने में, ऐसा कंट्रोल करने में हमारे साथ वो कोऑपरेशन नहीं हो रही जो होनी चाहिए, तो वही सबसे बड़ा नुकसान है 400-500 अरब रुपये सालाना का, और इस नुकसान के मुतालिक हम कंसर्न हैं। इस साल बेहतरी ज़रूर आएगी, लेकिन जितनी आ सकती है, अगर उतनी हम ना लेके आ सकें उनकी लैक ऑफ कोऑपरेशन से, ये मुल्क की बदकिस्मती है। ठीक है सर, जनाब सरदार साहब, आपने फिर एक दफ़ा हमें मौका दिया, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।